अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। आज हम मिलके बनाएंगे ज़बरदस्त मज़ेदार सा बारबेक्यू रेंच जिंगर बर्गर। तो फिर तैयारी पकड़ लें। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल भी नहीं भूला होगा। सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। ये मैंने चिकन फिलेट्स लिए हैं। इसमें 2 टेबलस्पून हम लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च, काली मिर्च 1/2 टीस्पून, नमक अप्रॉक्स 2 टीस्पून है ये, वैसे आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ले सकते हैं। पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, ये थोड़ा सा हमने सोया सॉस इसमें ऐड कर दिया है, ये भी तकरीबन 2 टीस्पून के करीब होगा। सिरका 2 टीस्पून चला गया इसमें। अब ऑयस्टर सॉस भी हम 2 टीस्पून के करीब डाल देंगे। चिली सॉस 2 टेबलस्पून। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह चिकन पर लगा के मिक्स करके और मैरिनेट करने के लिए रख देंगे 3-4 घंटे के लिए। जब तक हमारा चिकन मैरिनेट हो रहा है, हम इसके रेंच सॉस तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा तकरीबन 4 टेबलस्पून मायोनीज, 2 टेबलस्पून सावर क्रीम, 2 जब्बे लहसुन के बारीक बारीक काट लें उनको, 1/2 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून लेमन जूस 2 टेबलस्पून, इसमें 1/4 टीस्पून हम नमक भी ऐड कर देंगे। और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करके फाइन सा पेस्ट बना लेंगे। अब बारी आती है इसके बैटर्स बनाने की। हम इसके 2 बैटर्स बनाएंगे, एक ड्राई और एक लिक्विड। 2 टेबलस्पून के करीब आप मैदा ले लें और 2 टेबलस्पून के करीब ही कॉर्नफ्लावर ले लें। उसमें 1 टीस्पून लाल मिर्च पिसी हुई डाल दें, नमक 1 टीस्पून, और इस बैटर को अच्छी तरह से मिक्स करके आपस में और इसको एक साइड पे रख दें। अब हम लिक्विड बैटर तैयार कर लेते हैं। इसमें भी 2 टेबलस्पून हमारा मैदा गया, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर जाएगा, पिसी हुई काली मिर्च हम 1/2 टीस्पून ले लेंगे और नमक तकरीबन 1 टीस्पून है। इसमें जितना अकॉर्डिंग टू नीड हमें पानी चाहिए उतना पानी डाल लेंगे। चिकन हमारी अब मैरिनेट हो चुकी है। इसको अब अच्छी तरह हम दोनों बैटर्स में कोटिंग कर लेंगे। पहले ड्राई बैटर में डाल लेंगे, फिर उसके बाद लिक्विड बैटर में। अब जब हम दोबारा ड्राई बैटर में डालेंगे तो इसे अच्छी तरह हाथों से मसल मसल के इसके ऊपर हम कोटिंग करेंगे, क्योंकि जितने हम अच्छे से कोटिंग करेंगे उतने अच्छे चंक्स बनेंगे, इसके क्रिस्प बनेगा। अब शुरू होता है बर्गर की सेटिंग का काम। तो सबसे पहले हम बन के ऊपर बारबेक्यू सॉस डाल देंगे, उसके ऊपर जो अभी हमने फ्राइड करके पीस रखा है उसको डाल देंगे, इसके ऊपर जो हमने सॉस बनाई थी रेंच सॉस उसको डाल के, और हमारा बर्गर तैयार हो गया खाने के।